प्यारे बच्चों, ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी मुर्गी की है। एक बार की बात है, एक खेत में एक मुर्गी रहा करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख भी रहते थे। ये तीनों बहुत ही आलसी थे, लेकिन चारों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। कई बार तो कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी सी मुर्गी का फायदा उठाते थे। वो मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती की वजह से कुछ भी ना कहती थी और उनको अपना खाना दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी सी मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई दिए, जिसे देखकर वो सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों को खेत में बो दूं? जब फसल होगी तो मैं गेहूं को पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे ये उम्मीद थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के बीज मिले हैं, मैं इसे बोना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी सी मुर्गी वहाँ से जाकर बत्तख के पास जा पहुँची और वो बत्तख से पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी मदद करोगी? बत्तख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो धूप में झुलसी जाऊंगी, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तब मुर्गी वहां से चली गई और बिल्ली के पास जा पहुंची। मुर्गी ने बिल्ली को भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त कुत्ता और बत्तख तो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्ली बोली, देखो इस समय तो मैं पड़ोस घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसीलिए अभी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अगर दूध नहीं मिला तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। और यह कहकर बिल्ली वहां से चली गई। मुर्गी बेचारी बहुत दुखी हुई और मायूस मन से धीरे 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 चलने लगी और खुद से ही बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वो खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देखकर छोटी सी मुर्गी बड़ी खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? कुत्ते ने कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुत्ते ने कन्नी काट ली। छोटी सी मुर्गी बत्तख के पास जा पहुंची और उससे मदद करने को कहा। तो बत्तख बोली, देख तो रही हो, मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी, माफ करना, मुझसे ना हो पाएगा। फिर छोटी सी मुर्गी बिल्ली के पास जा पहुंची, जो नहा कर आई थी और आराम से बैठी थी। छोटी सी मुर्गी ने उससे फसल काटने के लिए मदद मांगी। वो बिदक कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं अभी अभी नहा कर आ रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। छोटी सी मुर्गी दुखी मन से वहां से चली गई और सीधे खेत में जा पहुंची। वहां उसने अकेले ही फसल कटाई की। अगले दिन उसने सोचा
कि क्यों ना इन गेहूं को पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। फिर वो कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त चलो मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। कुत्ते ने बड़े जोर से कहा, ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने दो टूक जवाब दे दिया। छोटी सी मुर्गी ने बत्तख से पूछा तो उसने फिर वही बहाना बनाया कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी सी मुर्गी ने मदद मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी होकर छोटी सी मुर्गी अकेले ही आटा चक्की पर गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, तीनों एक ही साथ बोल पड़े, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी सी मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गईं, तो वो कुत्ता, बत्तख और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, आप बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा? हम, तीनों एक साथ बोल पड़े। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और वो मजे से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख और बिल्ली ने कोई भी मेहनत का काम नहीं किया था, इसीलिए वह छोटी सी मुर्गी का मुंह देखते ही रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यही सीखा कि मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है।